और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सत्ता के सेमीफाइनल की। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने मंडी के बलह में बीजेपी प्रत्याशी खुशाल सिंह ठाकुर के लिए वोट मांगे। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस की ओर से कन्हैया को स्टार प्रचारक बनाने पर सवाल भी खड़े किए। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा सीएम जयराम ठाकुर ने। वो कन्हैया कुमार है जो नारे लगाता था भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, वो भारत वो जाकर के हिमाचल का स्टार प्रचारक बनकर के आ रहा है। ये वो कन्हैया जिसने कहा अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अफजल कौन था? अफजल वो था जिस अफजल ने लोकसभा पर हमला किया था और दर्जनों लोग उसमें मर गए थे। और ये कन्हैया वो कन्हैया जिसने सेना के जवानों के ऊपर कहा कि सेना के जवान कश्मीर में महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं, देशद्रोह का मामला उनके ऊपर दर्ज है, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी का स्टार प्रचारक है। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हो नहीं सकती। लेकिन दुख तो हमें इस बात का तब हुआ जब कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इस बात का जिक्र किया कि कारगिल का युद्ध तो युद्ध था ही, वो तो मामूली सी घुसपैठ थी। 527 सैनिक शहीद हो गए, 52 सैनिक हमारे हिमाचल प्रदेश के शहीद हुए। नौजवान यहां इस बल की धरती में जो है यहां पर भी शहादत के जो है वो पार्थिव शरीर पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद भी कह रहे कि वो युद्ध नहीं था, वो तो मामूली घुसपैठ थी। तो घुसपैठ किए थे उनको तो धक्का दे करके निकाला जा सकता था। मैं समझता हूं ये सारी बातें दुर्भाग्यपूर्ण है।